हाँ भी ये आपका क्वेश्चन देखो 27 है ना, 27 तो क्या रख दें अपन एक्स की जगह, 10 थीटा रख दो, एक्स को क्या रख दो 10 थीटा, 10 थीटा रखा, बनाओ देखो क्या आ रहा है भाई, 0.45 एलन 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा ना, ठीक है ये आएगा, ये अपने कर लिया पहले है ना, इसमें किंग ला के ऐड करते हैं कितना आता है, पाई बाई एल एन टू आता है, ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, पर देख लो ये रहा 13th क्वेश्चन ना, ठीक है 28th क्वेश्चन, 28 में दोनों मेथड है आपके पास है ना, आप क्या कर सकते हैं एक्स को 10 थीटा रख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा मेथड आप एक्स को 1/y रख सकते हैं, ज़्यादा इजी आपको ये पड़ेगा ना एक्स को 1/y रखना, तो डी एक्स कितना आएगा -1/y² डी वाई, और 1/2 का कितना आ जाएगा 2 का 1/2, एल एन एक्स कितना आएगा -LN y, और ये आएगा 1+1/y² और डी एक्स कितना आएगा -1/y² डी वाई, ठीक है ये आएगा, अब इसमें क्या आपका ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, और ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 1/2 एल एन वाई अपॉन y² + 1 है डी वाई आ रहा है, और क्योंकि ये लिमिट जो है चेंज हो गई है ना, तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन क्या था 1/2 से 2, मसाला सेम था, ठीक है ये सब सेम था, इंटीग्रेशन क्या था 1/2 से 2, तो ये क्या लिखा है, ये आपका माइनस आई है, और कहाँ से चले थे, स्टार्ट जब किया था तो आई पे थे, तो आई के चलते चलते कितना आ गया माइनस आई, तो आई कितना आ जाएगा 0, ठीक है ऐसे। हाँ मैं कहता हूँ एक्स को 10 थीटा रखा तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा आपका 10 इनवर्स 2 एल एन ऑफ 10 थीटा है ना, और 1+x² डी थीटा दिख गया, देखा 1+x² कितना आएगा sec² कट जाएगा, अब आप इसमें किंग लगा के ऐड करेंगे ना, तो थोड़ा ध्यान सूची, इन दोनों का जो लिमिट का सम है 10 इनवर्स 1/2 और 10 इनवर्स 2, लिमिट का सम कितना है 90, इन दोनों का लिमिट का सम कितना है 90 है ना, 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स 1/2 कितना आएगा 90 आएगा, तो जो आपने किंग लगाया, किंग लगा के आपका क्या आएगा एलन ऑफ टेंजेंट ऑफ 90 - थीटा, जहाँ जहाँ थीटा है थीटा की जगह सम ऑफ लिमिट माइनस थीटा आएगा, ओके तो कितना आएगा एलन 10 90 - थीटा कितना आएगा एलन कॉट थीटा, एलन कॉट प्लस एलन 10 कितना आएगा 0, एलन 10 प्लस एलन कॉट कितना आएगा 0, आंसर कितना आ गया 0 आ गया, किंग लगा के ऐड किया 0, तो 2y = 0 आ गया, ठीक दोनों तरीकों से कर सकते हो आप, तो ये दो मेथड मैंने आपको बता दी, तीसरा मेथड ये बीच में तोड़ लो, एक ब्यूटीफुल नंबर बीच में 1 पड़ रहा है, अब आप वही कांड कर दो, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि कुछ ऐसा करें कि ये वाला इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो क्या बन जाए, ये वाला लिमिट बन जाए, वैसे तो ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि भाई अपन ने जो ये किया था ना भाई एक्स को 1/y, ये भी तो वही काम कर रहा था, ठीक है, पर कई बार कुछ एक और सवालों में आप इस तरह के काम कर सकते हैं ना, आगे के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उनमें भी ऐसा कर सकते हो, बीच में तोड़ लिया, और इसमें अपन ने क्या रख दिया एक्स को 1/y, तो पता है क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, करके देखो एक बार, किसी एक में रख देना एक्स को 1/y, हाँ क्या सब्स्टिट्यूट, हाँ सर बताइए सर,
वो हो जाएगा सो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नंबर इसका नेगेटिव आ गया क्या? आ गया पक्का? दिखाओ कॉपी घुमाओ। हाँ तो जाएगा, आपने लिखा क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या आपने ये इसमें धर दिया क्या? और फिर नया इंटीग्रेशन जो आया ना वो बनाया क्या? वो बना है, लिख लिया उसको? ओम तुमने लिख लिया? दोनों कट गए क्या? सेम आके तो नहीं कटते ना, नेगेटिव आके कटता है ना। हाँ वही, चलो ठीक है। तो कितना आएगा? 27 माइनस एल एन वाई अपॉन 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, और dx कितना आएगा? माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई। तो माइनस माइनस तो खैर वही सेम आ गया, और लिमिट क्या हो गई? अलग। तो ये इंटीग्रेशन 1 से 2 और ये 2 से 1 ये आपस में कट गए। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है, ठीक है ना? वहाँ से और यहाँ से ऐसे कैसे भी कर लो, मतलब बहुत तरीके हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन गलत है ना? हाँ भाई तुम बताओ, ये 30th क्वेश्चन गलत क्यों है? 30th क्वेश्चन जो है गलत है, बताओ क्या गलती है उसमें? डोमेन में नहीं है जो आपका लिखा है ना, ये sec माइनस 10 है ना। sec माइनस 10 क्या? 1 माइनस साइन बाय कॉस। 1 माइनस साइन तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव। कॉस कई क्वाड्रेंट आ रहे हैं बीच में, जैसे सेकेंड और थर्ड, जिनमें कॉस क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का लॉग ही डिफाइंड नहीं है। अच्छा इस सवाल को कौन बोल रहा था गलत है? तुम। चलो इस सवाल को सही करना है तो नई लिमिट बताओ। नई लिमिट क्या रख लें अपन कि सवाल सही हो जाए? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कर लो, सही सवाल हो जाएगा ये अगर इसमें कर लें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। नाउ द क्वेश्चन इज करेक्ट। अब आप करो इसको। 30th क्वेश्चन में लिमिट माइनस 90 से 90 कर लो, सही है? तो इसमें आपका कॉस थीटा पॉजिटिव आ गया, सब सही हो गया। ना भी तो अब आप इसमें ऐसा करो, ये किंग लगा लो, ठीक है? तो माइनस 90 से 90 किंग लगाया तो एलन ऑफ सेक माइनस से है ना, तो क्या आएगा? थीटा की जगह माइनस थीटा आएगा। सम ऑफ लिमिट माइनस थीटा आता है ना, तो सम ऑफ लिमिट कितना है? जीरो। जीरो माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा क्या बन गया? एलन सेक प्लस 10। एलन सेक माइनस 10, एलन सेक प्लस 10 क्या होता है ये? अरे सेक माइनस 10 एलन, सेक प्लस 10 एलन कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 1 का लॉग कितना आएगा? 0। तो किंग लगा के ऐड किया 0, आई 0। हाँ भाई 31st देखो, 31st क्वेश्चन जो है ये लिखा है 90 से लेकर के 3 पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स। तो बहुत लेंदी तरीका है ना इसका, बहुत लेंदी तरीका ये कि पहले आप निकालो रेंज ऑफ 2 साइन, है ना? जब आपका x का वैल्यू कितना है? 90 से 3 पाई बाय 2 निकालो एक बार। फाइंड द रेंज ऑफ 2 साइन एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल 90 से 3 पाई बाय 2 कितना आ रहा है? माइनस 2 से 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो साइन का ग्राफ आप जानते हैं इस तरह से आएगा, यहाँ पर 2 साइन का वैल्यू 2 आ जाएगा 90 पर, और यहाँ पर माइनस 2 आएगा। तो द रेंज इज माइनस 2 से 2। अच्छा इस इंटरवल में कितने इंटीजर आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, है ना? तो 2 साइन का वैल्यू 2 साइन एक्स कितना आएगा? माइनस 101। तो बताओ x क्या क्या आया? अगर 2 साइन माइनस 1 है तो x कितना है? ऑफकोर्स जो आंसर है वो आपको इस इंटरवल 90 से 3 पाई बाय 2 में देना है। अरे पेन छोड़ दो भाई, हैं पेन छोड़ दो। 2 साइन माइनस 1 है तो साइन कितना आएगा? माइनस हाफ। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 180 प्लस 30 आ जाएगा। तो कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाय 6 साइन 180 दिख गया होगा, और साइन क्या है? पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 दिख गया। ठीक है क्या यहाँ तक, है ना? तो 90 पर कितना है साइन 2, यहाँ पर कितना है हाफ, और 1 का डबल 2
हाफ का डबल वन, वन से टू आ रहा है रेंज, वन से टू का ग्रेटेस्ट इंटर कितना आएगा, हाफ से जीरो, हाफ से जीरो का डबल क्या आएगा, जीरो से वन, जीरो से वन का ग्रेटेस्ट इंटर कितना आएगा, जीरो। देख गया, ये गलत तरीका है, ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, देखो किंग लगा के ऐड कर दिए, इन दोनों का सम कितना है, टू पाई, जहां जहां एक्स है एक्स की जगह क्या किया, टू पाई माइनस एक्स, तो साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स पता है आपको क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना ऐसा। तो जब आपने किंग लगा के ऐड किया तो ऐसी पिक्चर आएगी आपके सामने, बात समझ में आएगी, इस तरह की पिक्चर आएगी आपके सामने, सही बात है ना, ठीक है। अच्छा आपको कुछ याद आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस अल्फा क्या होता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, है ना, हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस अल्फा, ये होता है आपका जीरो, जब एक्स क्या होता है आपका इंटीजर, माइनस वन, एक्स इज नॉट इंटीजर, एक्स या अल्फा एक ही बात है, ठीक है, अल्फा इंटीजर, अल्फा नॉट इंटीजर, ओके। तो यहां पर आप देखिए कि टू साइन भाई कितनी जगहों पर टू साइन इंटीजर होगा, अरे गिनती के तीन पॉइंट है भाई, और पॉइंट का एरिया क्या कर सकते हो, इग्नोर, पॉइंट का एरिया आप इग्नोर कर सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तीन है, दस है, बीस पॉइंट है, बीस पॉइंट्स का आप एरिया भूल जाओ, तो बाकी ज्यादातर जगहों पर ये फंक्शन कितना है, माइनस वन, ठीक है, इसका एरिया कितना आएगा, माइनस पाई, आंसर कितना आ गया, माइनस पाई बाई टू, ठीक है, आंसर इज माइनस पाई बाई टू। तो किंग ला के ऐड किया कितना आएगा, माइनस वन, माइनस पाई बाई टू, ये ज़्यादा आसान है, ये लेंदी तरीका है, इस तरह से आपको नहीं करना है, ओके। अभी जीरो से पाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉटेक्स, तो इसमें वही फंडा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कॉट 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, तो किंग ला के ऐड करोगे, किंग ला के ऐड करोगे तो कितना आएगा, जीरो से पाए कितना आएगा, माइनस, सही है, अरे ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉटेक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉटेक्स कितना आएगा, माइनस वन, क्योंकि कॉट की वैल्यू इंटीजर कब कब आएगी भाई, कुछ एक गिनती के पॉइंट्स पर आएगी, ठीक है ना, तो कितना जाएगा, माइनस पाई, आंसर कितना आएगा, माइनस पाई बाई टू। अगला क्वेश्चन हमें देखिए, सम ऑफ लिमिट कितना आ रहा है, जीरो, तो अपन ने क्या किया, किंग ला के ऐड कर दिया, अभी देखिए ये दिखा के आपने, वो एक्स की पावर 11, ये तो सेम रहेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, सेम रहा, और माइनस एक्स की पावर 11 क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 11, माइनस ऑफ एक्स की पावर 11 क्या आएगा, नेगेटिव इंटू एक्स की पावर 11। अच्छा कुछ याद है, फ्रैक्शनल पार्ट अल्फा, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस अल्फा, कुछ याद है, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट अल्फा, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस अल्फा, ये वैल्यू आती है कभी कभी जीरो, और ज़्यादातर टाइम क्या आती है, वन, तो अगेन वो जीरो कब आती है, इंटीजर पर, तो एक्स की पावर 11 कब इंटीजर होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, उसको आप भूल जाओ, फाइनाइट पॉइंट्स पर है ना, क्योंकि फाइनाइट पॉइंट पर अगर मान लो ये जीरो आ भी रहा है तो एरिया कितना आएगा, जीरो, ज़्यादातर वक्त क्या है, ये एक है, तो बस आपका एक्स की पावर 8 का इंटीग्रेशन, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो जीरो से थ्री कर लो, एक्स की पावर 8 है ना, तो कितना जाएगा, टू टू काट दो, कितना आएगा, एक्स की पावर 9 अपॉन 9 है ना, लिमिट क्या है, जीरो से थ्री, तो एक्स की पावर, सॉरी, थ्री की पावर 7 आ जाएगा आंसर, आंसर इज थ्री की पावर 7। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो से लॉग, मतलब एल एन, लॉग मतलब एल एन है, कॉट ए प्लस टेन ए, तो अगेन वही किंग ला के आप एक बार देखो, जहां जहां एक्स है एक्स की जगह कितना आएगा, ए माइनस एक्स, क्या बनेगा, एलन ऑफ कॉटे
प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स की जो कितना आएगा ए माइनस एक्स, ठीक, टेन ए माइनस एक्स कितना आएगा टेन ए माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन एक्स और कॉट ए कितना आएगा दिस इंटू दिस, तो वन इंटू कॉट ए तो कितना आ जाएगा कॉट ए टेन ए टेन एक्स कॉट ए कितना आएगा टेन एक्स दिख गया क्या टेन एक्स, ये टेन एक्स और ये उड़ता हुआ दिख गया क्या, तो कितना आएगा कॉट ए प्लस टेन ए, ऊपर कितना आ रहा है कॉट ए प्लस टेन ए और नीचे कितना आ रहा है वन प्लस टेन ए टेन एक्स, ठीक है, और इसका क्या आ रहा है लॉग आ रहा है, क्लियर है, उसको देखो जीरो से एल एन क्वाट प्लस टेन, तो किंग लगा के ऐड किया, ठीक है, तो ये और वो देखा क्वाटे प्लस टेन ए और क्वाटे प्लस टेन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर के क्वाटे को लिखा अपन ने वन बाय टेन ए है ना, वहां पर जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन क्वाटे को लिखा वन बाय टेन ए और प्लस टेन एक्स है ना, तो ये क्या बन रहा है वन प्लस टेन ए टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन ए, ठीक है, ये बन रहा है, और जब दोनों को ऐड किया ना किंग लगा के तो लॉग ऑफ दिस कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा दोनों का एडिशन कॉट ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए, ठीक है ना, ये आएगा, यानी कि किंग ला के ऐड किया तो टू आई इज इक्वल टू आएगा जीरो से कॉट प्लस टेन अपॉन टेन कितना आएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखना ये आ रहा है डी थीटा डी एक्स है ना, दिस अपॉन दिस टेन अपॉन टेन वन कॉट अपॉन टेन कितना आएगा कॉट स्क्वायर, कर लोगे आप है ना, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन तो सिंपल है,